घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, आज घंटा बजा दिया उन्होंने। जो मैं एक हफ्ते से बकवास कर रहा हूं, इस टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके। जिसको अबू बनाया हुआ है आपने, ये घंटे का किंग, ये सेल्फिश तीन इनिंग खेल के टीम पे प्रेशर डलवा के खुद भाईजान दबाओ। अरे भाई जबरदस्त यार, थक गया मैं, थक गया भाई। भाई कीबोर्ड चला चला के, माउस चला चला के मेरी उंगलियां थक गई भाई। भाई एक आउट होता तब मैं मीम बना रहा हूँ, दूसरी विकेट गिर गई। बटुओं की बचा के रख दिया इंडिया ने, और मैं बोलता था यार ये सारे जितने भी घंटे हैं इनकी बचा के रख देनी इंडिया ने। द मोमेंट इनका वर्ल्ड क्लास टीम, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामना होगा तो इनकी फटके गले को आ जानी है, इनका बैंड बच जाना है भाई। ये इन्होंने तो भाई बैटिंग पिच को यार, किलियां उड़ी है। वो पहले बाबर की क्या किली उड़ी है, बुधवार को कैसे बुमराह है, शादाब ने क्या किया, ये देखो ना शादाब भी क्या करके गया है, मतलब कैसे किलियां इनकी उड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कार्टल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों यह फैसला रोहित शर्मा के बहुत ही साथ काम किया कि दोस्तों जिस तरह से आज गेंदबाजी भारतीय टीम की तरफ से हुई है, जिससे यही साफ प्रदर्शित हो रहा है कि आज पाकिस्तान की टीम का बुरा हश्र हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस तरह से आज पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करके दिखाया, वो बहुत ही घटिया बल्लेबाजी थी कि दोस्तों उसमें केवल आज दो बल्लेबाज बढ़िया खेल के दिखाए हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो दोस्तों आज अपने टीम की एक अच्छी उम्मीद तक पहुँचाने वाले थे, लेकिन दोस्तों कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए और ये भी दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। और दोस्तों पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप को आज भारतीय गेंदबाजों ने बिगाड़ के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम की बेइज्जती कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने आज खेल दिखाया, बहुत ही घटिया प्रदर्शन था और बहुत ही घटिया खेल दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आगे और भी देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को हमारे अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। अरे भाई जबरदस्त यार, थक गया मैं, थक गया भाई। भाई कीबोर्ड चला चला के, माउस चला चला के मेरी उंगलियां थक गई भाई। भाई एक आउट होता तब मैं मीम बना रहा हूं, दूसरी विकेट गिर गई भाई। दूसरी विकेट के लिए मीम बना रहा हूं, तीसरी विकेट गिर गई। अरे भाई थोड़ा टाइम दो यार, थोड़ा टाइम दो मीम बनाने में। भाई को आधा घंटा लग जाता है बंदे को, भाई कुछ कलेक्ट करना पड़ता है। अरे भाई साहब आज क्या दिन है भाई। I'm very happy भाई, ईद मुबारक हो। घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, आज घंटा बजा दिया उन्होंने। जो मैं एक हफ्ते से बकवास कर रहा हूँ, इस टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके। जिसको अबू बनाया हुआ है आपने, ये घंटे का किंग, ये सेल्फिश तीन इनिंग खेल के टीम पे प्रेशर डलवा के खुद भाईजान दबा हो गए हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने भाईजान। बाबर आजम ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, खत्म हो गया खेल। इंडिया ने फड़का दिया आपकी बैटिंग लाइन आपको, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास का घंटा बजा दिया इंडिया ने आज। घंटा बज गया आपका, घंटा बज गया आपका भाईजान। बाबर आजम ने ना जिस तरह सेल्फिश इनिंग खेली है ना, और रिजवान ने, उसके बाद टीम के ऊपर प्रेशर बना है। बाबर आजम का 18 बालू पे 24 रन था और बाबर ने अपनी 50 कंप्लीट की या 56 बालू पे। भाई कुलदीप यादव को ये आज भी नहीं खेल सका। आजुशी सिफारिशी नाहल टटुओं की बजा के रख दिया इंडिया ने, और मैं बोलता था यार ये सारे जितने भी घंटे हैं इनकी बजा के रख देनी इंडिया ने। द मोमेंट इनका वर्ल्ड क्लास टीम, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामना होगा तो इनकी फटके गले को आ जानी है, इनका बैंड बज जाना है भाई जान। और आज सबका बैंड बज गया। हाँ मेरे रिजवान, सम टाइम इट्स एक्टिंग, जब सामने बुमराह आया तेरी सारी एक्टिंग खोल के रख दी बुमराह ने भाई जान। ये तुम लोग कहते हो अहमदाबाद के मुसलमान हमें सपोर्ट करते हैं,
क्राउड हमें लेने आया, आज बाबर आजम का एक मुसलमान ने घंटा बजा दिया, तुम्हारा मुसलमान कार्ड नहीं काम आया, इंडियन कार्ड नहीं काम आया, जो जो कार्ड तुम लोगों ने खेला सब तुम लोगों के गले पड़ा। इस फ्लैट ट्रैक पे ये टोटल तुम लोगों ने बुलाया यार, इस फ्लैट ट्रैक पे ये इन्होंने तो भाई बैटिंग पिच को बॉलिंग की किलियां उड़ रही है। वो पहले बाबर की क्या किली उड़ी है, वो रिजवार को कैसे घूम रहा है, शादाब ने क्या किया, ये देखो ना शादाब भी क्या करके गया है, मतलब के कैसी किलियां इनकी उड़ रही है। मैं कौन 300 लगे हुए थे, 200 हो जाए बड़ी बात होगी भाई। ये बैटिंग पिच थी, हाईवे पिच थी, जिसपे इन्होंने इस तरह आउट हुए, यानी बाबर आउट होता है रिजवान। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा किस तरह जो पाकिस्तानी मीडिया है और बहुत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाई रही है पाकिस्तानी टीम की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जो मीडिया है इस समय दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा गई है और यही बता रही है कि पाकिस्तान की टीम को कुछ भी आता नहीं है, जब वो अपने बाप के सामने आते हैं तो मैच हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या सब गेंदबाजों ने आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान की टीम को आज ऑल आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 191 रनों पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट होगी है और दोस्तों अब भारतीय टीम की बारी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो पाकिस्तानी मीडिया है बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रही है अपने पाकिस्तान की टीम की, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आज घटिया खेल दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान की टीम मीडिया यही सोच रही थी कि आज भारत और हिंदुस्तान के बीच मुकाबला है, बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो दोस्तों बहुत ही घटिया बल्लेबाजी करके दिखाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में जो पाकिस्तानी मीडिया है बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारा जो नए वीडियो हो आपको तुरंत मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद।